फिजिकल प्लेजर चाहिए। हाँ हाँ मेरा वैसा नहीं था भाई, मेरा जिसने देखो भाई रिलेशनशिप के लिए मिल रहा हूँ मैं सीधे सीधे ही, उसकी मेरा इंटेंशन वही है। किस पे हाथ से क्या करते हो? I cannot take care of anyone other than you। So good morning everyone, I hope all of you are doing absolutely fine, welcome back to Rav Zindagi। अगर आपने पिछला वाला vlog देखा तो आपको पता होगा कि मतलब बहुत दिन तक neck pain था जिसकी वजह से मैं ये बड़ा वाला कैमरा पकड़ ही नहीं पा रहा था, मतलब पकड़ पा रहा था बट ज़्यादा देर पकड़ता तो पेन बढ़ता है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वेलकम बैक टू दिस कैमरा सेटअप। अभी वेदर काफ़ी सही हो रखा है एंड सुबह सुबह है, टाइम सुबह मतलब इट्स मॉर्निंग ऑनली राइट। तो अभी जाते हैं थोड़ा छत पे बिकॉज हमारा जो प्यारा सा कुत्ता है उसके साथ थोड़ा खेलने का मन कर रहा है। तो अगर आपको लगेगा कि मतलब ऊपर क्यों बंद है तो एक्चुअली क्या हुआ था, एक हादसा हुआ था आज से कुछ महीना पहले। एक्चुअली हमारा सब गेट फेट खुला रहता था, वो बाहर ही घूमता था अंदर भी आता था। तो रात को एक दिन लाइक 12 बजे 12:30 अचानक से चीखने लगा बहुत है ना, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, हल्ला होने लगा। तो हमने देखा कि इसका एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब यहाँ पे जबड़ा फट गया था कि क्या हुआ था पता नहीं बट खून निकल रहा था एंड ही वॉज शिवरिंग। तो उसके बाद से हम लोग ऊपर में ही इसको मतलब जनरली रखते हैं ताकि मतलब एक्सीडेंट के चांसेस कम है यार। पर जो भी है इट्स नॉट अ पिंजरा, यू कैन सी इट्स अ लॉन्ग प्लेस। गुड बॉय की तरह लेके आओ बॉल, जाओ जाओ बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, हां बॉल लेके आओ। समझता नहीं है इसको, इसको बॉल लेके आओ, इसको बस फिजिकल प्लेजर चाहिए। अगर मैं ये रिकॉर्ड नहीं करता तो शायद आपको यकीन नहीं होता, मैं कल आया था सुबह सुबह इसके साथ बॉल खेलने के लिए, मैं अकेला था। आप ये वीडियो देखो, हेलो, जरा सा भी नहीं खेला, जरा सा भी नहीं। हाँ यू आर एन एंटरटेनर फॉर हर, हम खिलाए तुम इसको एंटरटेन करो। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता। घुटने क्यों नहीं, मतलब घुटने को थोड़ा सा बेंड करो। LBW तो तब मैं देखती हूँ कभी इधर बॉल फेंकता है तो कभी उधर फेंकता है, तो क्या ऐसे करके? हाँ हाँ तुम पूरा घूम जाना, शक्तिमान होना पड़ेगा इसके लिए। क्रिकेट देखती हो वैसे? थोड़ा बहुत। जसप्रीत बुमराह को पहचानती हो? नहीं, मैं सिर्फ सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली और धोनी। और धोनी बस? नहीं, हरभजन को भी मैं पहचानती हूँ। हरभजन सिंह? हाँ। अच्छा, बहुत बहुत है। हाँ। तो अब ये करके दिखाएगा कि हरभजन सिंह कैसे बॉल करते हैं। हरभजन सिंह ऐसा क्या था, हाथ ऐसे ले? मतलब अनोखा है वो, जसप्रीत बुमराह करने के बाद दूसरा बॉल कैसे करता है? ऐसे मतलब, ऐसे उसका ऐसे होता है, मतलब पोस्टर ऐसे रहता है। अरे बाप रे, बैट करके दिखाओ। किसको दिखाना है? मुझे दिखाओ बैट कर। तो तुम ये उल्टे करके क्यों खड़े हो? उल्टा? उल्टा नहीं, लेफ्ट हैंडेड हूँ। लेफ्ट हैंड में उतना पावर नहीं आता जितना, मतलब
स्टेबिलिटी नहीं आता जितना कितना लेफ्ट हैंड में आता। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप राइट से ही खेलोगे, बट अगर आप आदत ही ऐसा डालो कि आप लेफ्ट हैंड से खेलना प्रैक्टिस कर दो तो आपका लेफ्ट हैंड मतलब ये स्टाइल ज्यादा बेहतर बन जाता है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, वो मतलब बचपन की, मैं आपको बताता हूँ। इसको भी नहीं पता सबसे बड़ी बात, व्हाट इट कैन बी, क्या कैसा है, क्या हो सकता है, किस पे तो बात ऐसा है कि बचपन में जब क्या होता है कि ये हर किसी ने किया होगा, हर लौंडे ने किया होगा, क्या होता है कि व्हेन यू आर प्लेइंग यू वांट टू हिट सिक्सेस टू द प्लेस वेयर समवन यू लाइक इज देयर, है ना, जो भी आपको पसंद होता है उस टाइम पे, जो भी इन्फैचुएशन होता है क्या वहाँ पे आप मारना चाहते हैं, यकीन में बदल रहा है। जनरली मैं कभी खेलता ही नहीं था, तो मेरे लिए राइट हैंड भी जो लेफ्ट हैंड भी सेम था, तो आई थॉट कि लेफ्ट हैंड में खेल लेता क्योंकि मेरे को आ रहा था खेलना, तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। मतलब क्या होता है कि मतलब लेफ्ट हैंड में हो देन यू कैन हिट देयर, वो वाला सीन, एंड दैट इज़ हाउ वो चलता गया। वो तो बस शायद 2-3 महीने के लिए था होगा, बट दैट कंटिन्यूड और लेफ्ट हैंड छोड़ा नहीं, दैट्स द स्टोरी। कि वहाँ पे कोई बैठी थी, मतलब इट्स नॉट बैठी थी, इट्स अ बालकनी, यू नो गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट दैट टाइम, बहुत सारे लड़कियां बैठी थी, नहीं बहुत सारे नहीं, मतलब ऑब्वियसली द पर्सन यू लाइक, कौन थी वो कैमरा पे तो नहीं बता सकते, बट दैट वाज द थिंग। मतलब बचपन में बहुत छोटा था मैं, क्लास 5 वाज दैट टाइम, आई डोंट नो, और 6 आई डोंट नो, तो असर तो कोई कुछ नहीं पड़ा इससे नहीं। ये पता, मैंने एक रील देखा, यू वॉच दिस गाय, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक शाहरुख खान, सीरियसली, है ना, मतलब समझ ही नहीं आया कि हाँ, मुझे समझ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। इसका सीन क्या है, इसका अकाउंट देख रहा था कल, दिस गाय डज इवेंट्स, इसको इवेंट में बुलाया जाता है टू एक्ट लाइक शाहरुख खान ऑन शाहरुख खान सॉन्ग, मतलब ये इसका करियर ही है। मतलब मेरे को कितना अजीब अजीब लग रहा है, नहीं मतलब किसी और के आइडेंटिटी पे खुद का नाम बनाना, मतलब अगर मैं किसी और के अक्षय कुमार की तरह दिखता, मैं अक्षय कुमार की तरह, तो मतलब और मैं उसी को करियर बनाता, तो खुद का कुछ आइडेंटिटी नहीं बन रहा है। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन इसमें भी बुराई क्या है, बुराई क्या है। हाँ तो इसके बाद इंद्राणी निकल गई अपने कोर्ट के लिए और मैं निकल गया अपने ऑफिस के लिए, एंड अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बट फिर भी हफ्ते में एक दिन अपना चेहरा दिखाने के लिए जाना पड़ता है। वैसे मेरा शिफ्ट दोपहर के बाद से चालू होता है, बट मैं सुबह सुबह चला आता हूँ, एंड अक्सर वहाँ उस टाइम पे कोई और नहीं होता है, सिर्फ मैं आगे अपने घर, अभी नहाया, उसके बाद लंच किया, एंड ना अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:34, एंड अभी थोड़ा सा ऑफिस का काम जो है वो करूँगा, चालू हो रहा है अभी, एक्चुअली काम करेंगे आधा एक घंटा करने के बाद मैं शायद निकलूँगा टू पिकअप इंद्राणी, मेरे को पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वो जिद कर रही है सुबह से कि उसको लेने जाना है, लेने जाना है, लेट्स सी। अभी मत करो, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूं। पता है मैंने अपना शर्ट पैंट रेडी रखा था कि मुझे, मैं मेंटली रेडी था कि मुझे निकलना है। हाँ, कहाँ पे निकलना है? पिकअप करने। हाँ। अचानक से आज लेट कर दी। मेरे दिमाग में क्या था कि तुम 4:30-5 बजे निकलोगी, 3:30 के पहले निकल जाओगे, 3:30 बजे के बाद निकल जाओ, क्या पता था। और मेरा काम आ गया, काम आ गया, नहीं काम तो था, काम तो करना है, ऐसा तो नहीं करना ही नहीं है, नहीं करना है, जिंदगी भर बस तुम्हारे लिए जीऊँ ऐसा है, घर में पैसा कहाँ से आएगा। मैंने एक्वेरियम दिया था इसको, इतना खाइकुंडी लड़का है, खाइकुंडी का हिंदी मुझे नहीं पता, ये बंगाली में बोलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है कि खाइकुंडी। देखो एक्वेरियम यहाँ पे कांच तोड़ के यहाँ पे कुछ बनाया गया है, ये वो एक्वेरियम नहीं है, ये उन लोगों का है। ओ और मैंने जो दिया था वो तो कहाँ चला गया, वो नहीं पता कहाँ है। मतलब एक चीज गर्लफ्रेंड दी है तो उसको पता है कब दिया था, वैलेंटाइंस डे पे उसको टेक केयर किया गया था, बट उसके बाद उसको टेक केयर तुमने नहीं किया था, बापी और माँ ने किया था, तो जो भी है किसी ने तो किया था, तो तुमने तुम्हें टेक केयर करने के लिए कहा। मैं तो बोला था कि ये चीजें ना दो, ये मैं टेक केयर नहीं कर पाऊंगा, ये मैं पहले ही हाथ उठा देता कि मेरे से नहीं होगा। तुम दिन भर करते तो कुछ नहीं, नहीं आई कैन नॉट टेक केयर एनीवन अदर देन यू। ये क्या है, जेट प्लेन, इसको लगता है ये जेट प्लेन है, दिस इज अ पैसेंजर प्लेन,
बहुत ऊंचे से जा रहा है तो जो हवा निकलता है वो गर्म होता है और वहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर है। कुछ पता नहीं है, मैंने पहले जब कहा था कि सैटेलाइट वो नो दिस इज तारे जैसा कुछ चल के जा रहा था तो मैंने कहा वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट जैसी कोई चीज होती है? सैटेलाइट जैसे ऐसा बोला था मैंने, ऐसा ही बोला था। तुम्हें पता ही नहीं था कि सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था तुम्हें। यू टोल्ड सैटेलाइट, आई थॉट सैटेलाइट मींस यू नो ऑब्जेक्ट्स लाइक मून। मून इज ए सैटेलाइट। मैंने मैनमेड सैटेलाइट नहीं सोचा था। दोज आर कॉल्ड जियो सैटेलाइट्स। देख लो भाई, आधा घंटा के ऊपर हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को निकलना है, भूख लगा है। तीन चार ड्रेस बदल ली और ये मेरे को बोल रही थी ना खाई कुरनी वाला बात कि मैं सब बर्बाद कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या बर्बाद किया है। क्या? ये है मेरा वॉशरूम और ये है हैंगर। इसका आप हालत देखो। ये मैंने क्या है? तो किसने किया है? मम्मी ने कहा था कि ये पहले से ही ऐसा था। Do you know that from the last 2 years इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई है? From the time I know lockdown से। तू घर की चीजें कहाँ पे क्या रखता है? मैं तुम्हें कुछ नहीं पता होता है, ठीक है? जब भी मैं नहाने जाता हूँ मैं अपना कपड़ा वहीं पे टांगता हूँ। अब मेरे को उल्टे साइड टांगना होता है। मम्मी ने कहा था कि वहाँ पे पहले से ही गम लगा था। चप्पल कौन सा पहने? मम्मी भी एक है, मतलब यू नो शी वांट्स टू मेक एवरीवन हैप्पी, इसलिए किसी को बताती नहीं है। फोन नहीं लेना है? किसका? अपना। मैंने तो कहा तुम्हें लेने को। हाँ, मैं वहाँ पे रखा हूँ, उसको तो देखना चाहिए वहाँ पे है। तुम लेके आ। मैं क्यों लेके आऊँ? मैं नहीं। तभी मैं जा रहा हूँ अपना शाम का खाना खाने। बेटर देन फास्ट फूड ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब मेरे बारे में। यू कैन सी लाइक जब भी इसके साथ ब्लॉग करता हूँ मैं तो एक्चुअली ऐसे इलाकों में थोड़ा चल लेता हूँ। अच्छा लगता है फीलिंग, मतलब मेरे को ना चलने में अच्छा लगता है। मतलब एंड इफ़ यू आर वॉकिंग विथ समवन, ऑब्वियसली अकेले चलने में मज़ा नहीं है। इधर बात करते करते चल रहे हो, ये मैं तनफेस के साथ बहुत किया करता था, आई रिमेम्बर। तो तनफेस से बात और याद आ गया। नए जो व्यूअर्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि तनफेस मेरा एक बहुत अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे क्या देखना है भाई, हो सकता है ना। तो उसका तो वो एक्चुअली बाहर चला गया था, इंडिया के बाहर कुवैत में अपना काम के लिए, काम के चक्कर में सिलसिले में। तो वो वापस आ रहा है फॉर 7 days or 6 days दिसंबर में। एंड दिसंबर का महीना, आज 30th November है एंड दिसंबर का महीना आने वाला है। तो ही इज़ गोना कम एंड मस्ती तो होगा, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप देखते हैं कब आता है वो। बात टिकट हो गया है बट लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन। तो तनफेस जब से गया है तब से यहाँ पे प्यार ज़्यादा आ गया है, और अगर तनफेस फिर से आ जाएगा तो यहाँ का प्यार ये इसका तब से आ रहा है कि मतलब ये क्या बात हुआ यार। जब तनफेस था, आप सोचो अगर तनफेस लड़की होता तो फिर क्या होता। क्या जिंदगी है भाई। लड़की होता तो आई गेस तुम उससे उतना चिपकते नहीं थे। लड़का है इसलिए ऐसे चिपकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गे हूँ असल में, क्या पता तुमको। हो ही सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो एक चीज़ को याद आया कि हमने जो वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो कि आर वी डेटिंग वाला व्लॉग में, मतलब हमने मतलब आई वी डिडंट क्लियरली से, बट आप ऑब्वियसली आप तो बेवकूफ़ हो नहीं है ना, घास भूस तो आप खाते नहीं, आपको भी पता चल रहा है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। बट बात यह है कि कब से कर रहे हैं, वी आर डेटिंग सिंस 5.5 साल होगा शायद। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ना सब, शायद नहीं मतलब हाँ सारे लोग जा रहे हैं, हम लोग को तो घूर रहे हैं। तो 5.5 साल हो गया होगा एंड कितने सालों से मैं इसको पहचानता हूँ, वो भी 5.5 साल ही है। मतलब अक्सर लोगों का क्या होता है कि आप किसी को भी पूछोगे तो बोलेंगे नहीं मैं 6 साल से जानता हूँ, 3 साल से रिलेशनशिप में हो, क्योंकि बाद में सब कुछ हुआ। हमारा मेरा वैसा नहीं था भाई, मेरा जिस ने कहा भाई रिलेशनशिप के लिए मिल रहा हूँ मैं सीधे, उसकी मेरा इंटेंशन वही है। दोस्ती वोस्ती करने का कोई इंटेंशन नहीं है भाई, पहले से मेरा सॉर्टेड था। तेरा भी सॉर्टेड था वैसे पहले? नहीं नहीं, ये तो पहली बार देख के लट्टू हो गई थी, बाद में पता चला। मेरा क्या था, मैं तो हर किसी पे लट्टू होता हूँ तो अलग कोई सीन नहीं था। और हाँ कि यार हाँ ये हो जाए, ये भी लट्टू
बिल्कुल भी नहीं थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बस अच्छा लगा था उसको यार। लट्टू को ना लट्टू होना कहते हैं। नहीं हाँ, the level of likeness was so good that he wanted to be in relationship, है ना? तो बात तो वही हुआ। हाँ, बात यही है। हम लोग 5.5 साल से एक दूसरे को पहचानते हैं, 5.5 साल से हम रिलेशनशिप में। आप कैसे है क्या है वो कभी और बताएंगे, नहीं तो भाई इतिहास लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा कहानी है। तभी रात के 12:30 के आसपास कुछ बज रहा होगा एंड तनवीर से ही फोन बात हो रहा था, मतलब कुछ देर पहले। तो ही इज़ नॉट श्योर कि कितना टाइम दे पाएगा, नहीं क्योंकि 1 साल बाद घर आ रहा है तो काम भी रहता है, ये वो चीज़ें, बिकॉज मोस्टली ही विल बी एट हिज होम। तो यहाँ पे आ पाएगा नहीं पाएगा टोटली अननोन, वो देखा जाएगा। बट अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो 2 हिट द लाइक बटन, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड कॉमेंट बताना अपने थॉट्स। इंस्टाग्राम में आकर फॉलो कर सकते हो मेरे को, इंद्रानी को, दोनों को फॉलो कर सकते हो। एंड टिल दैट आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। बाय बाय, गुड नाइट।